हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे यू टर्न कैसे करें या यू टर्न कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से चालकों का जो है प्रॉब्लम होता है कि यू टर्न पर कार उनकी बंद हो जाती है, और जब वो बिजी रोड पर यू टर्न करते हैं तो उनको स्टीयरिंग में प्रॉब्लम होता है, स्टीयरिंग वो सीधा नहीं कर पाते हैं, और कितना राउंड स्टीयरिंग को सीधा करना है ये नहीं पता होता है। तो कुछ दोस्तों का कमेंट भी आया था कि सर आप इस पे यू टर्न के बारे में वीडियो बनाएं, यू टर्न के बारे में बताएं। तो जैसे कि दोस्तों, जब आप यू टर्न करते हैं तो यू टर्न करते समय आपको सबसे पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कि यू टर्न जब आप कर रहे हैं तो जैसे आप राइट साइड में यू टर्न करना चाह रहे हैं, लेफ्ट लेन में हैं, तो आपको 100-200 मीटर पहले इंडिकेटर देना है। इंडिकेटर दे के अगर आप लेफ्ट लेन में चल रहे हैं तो आप राइट लेन में आ जाएं, इंडिकेटर दे के, और साइड मिरर, रियर व्यू मिरर देख के आपको राइट लेन में आना है। फिर वहां पे आपको रुकना है, देखना है कि अगर कोई चल रहा है, नहीं रुक रहा है, तो आपको वहाँ पे रुकना है, अगले को पास देना है, तब आपको यू टर्न करना है। और यू टर्न करते समय आपको वन गियर लगाना होता है, क्योंकि अगर कार आपकी रुक गई है तो आपको वन गियर लगा के तभी वहाँ से बढ़ना है। और वहाँ पे पूरा क्लच कब दबाना है और हाफ क्लच कब रखना है, जैसे कि जब आप वहाँ पे रुके हैं तब वहाँ पे आपको पूरा क्लच दबाना है, क्योंकि जब आप पूरा क्लच नहीं दबाएंगे तो वहाँ पे कार बंद हो जाएगी। तो आपको वहाँ पे वन गियर लगाना है और हाफ क्लच लेके आना है जब कार को आपको आगे बढ़ाना है। जैसे मान लीजिए हाफ क्लच लेके आए आप और सामने कोई आ गया, तो फिर क्या वहाँ पे हमें पूरा क्लच दबाना है कि हाफ ही क्लच में कार को रखनी है, ब्रेक लगा लेना है। जैसे कि इसमें दो सिचुएशन है, पहला कि अगर आप पूरा क्लच दबाते हैं तो कार आपकी बंद नहीं होगी, और दूसरा जहाँ पे बाइटिंग पॉइंट है, बाइटिंग पॉइंट मतलब जहाँ से कार आपकी मूव करती है उतने क्लच पे अगर आप ब्रेक लगा लेंगे तो कार आपकी बंद नहीं होगी। तो यू टर्न करते समय जहाँ पे बिजी एरिया है वहाँ पे आप जहाँ से कार हल्की सी मूव करती है उसी पे आपको ब्रेक लगाना है और ब्रेक छोड़ना है। जैसे ही आप ब्रेक छोड़ेंगे कार आपकी आगे बढ़ जाएगी। तो आप वहाँ पे दोनों काम कर सकते हैं, जहाँ पे ढलान है, जैसे यू टर्न आप कर रहे हैं पीछे ढलान है, तो वहाँ पे आप क्लच को पूरा ना दबाएं, क्लच को वहाँ पे रखें हाफ, मतलब जब वहाँ पे बाइटिंग पॉइंट आ जाए क्लच तब आप ब्रेक से पैर हटाएं तो आपकी कार पीछे नहीं जाएगी, या फिर वहाँ पे जब आप फिर पूरा क्लच दबा देंगे तो कार पीछे जाने लगेगी। तो आप वहाँ पे दोनों चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पूरा क्लच दबाना चाह रहे हैं तो पूरा क्लच दबाइए, या फिर हाफ क्लच में कार को यू टर्न करें। अगर कोई आ गया तो आप हाफ क्लच में ब्रेक को जैसे ही दबाएंगे कार रुक जाएगी, और फिर जैसे ही छोड़ेंगे कार वहाँ पे आपकी बढ़ जाएगी। तो ये आप यहाँ तक समझ गए। अब हम आपको स्टीयरिंग के बारे में समझाते हैं कि स्टीयरिंग आपको कब वापस लेके आना है। जैसे आप यू टर्न करते हैं तो यू टर्न करने के बाद जैसे ही कार आपकी सीधी होती है तो स्टीयरिंग को आपको दो राउंड वापस लेके आना है। जैसे कि स्टीयरिंग घूमता है तीन राउंड, तो हम आपको इसको समझाने के लिए आपको दो राउंड बता रहे हैं कि आपको दो राउंड स्टीयरिंग वापस लेके आना है। तो अब हम जानते हैं स्टीयरिंग के बारे में कि हमको स्टीयरिंग पूरा लॉक, क्योंकि यू टर्न जब भी आप करेंगे तो आपको पूरा स्टीयरिंग लॉक कर देना है। अगर राइट का यू टर्न करना है तो पूरा राइट, और लेफ्ट का कर रहे हैं तो पूरा लेफ्ट। तो अब हम आप लोगों को स्टीयरिंग के बारे में बताते हैं कि स्टीयरिंग आपको कितना वापस लेके आना होता है और स्टीयरिंग पूरा घूमता कितना है। तो चलिए अब हम जानते हैं। तो ये आप लोग देख रहे हैं स्टीयरिंग व्हील है। अब ये इस समय पूरा स्टीयरिंग घुमा हुआ है, तो हमें इसको जब सीधा करना है तो ये हो गया एक राउंड, और फिर इसी को एक राउंड वापस लेके आना है, तो ये हो गया दो राउंड। ठीक है, तो जब भी आप यू टर्न करते हैं, अगर राइट का कर रहे हैं तो हम इसको पूरा घुमा देते हैं राइट। ठीक, तो ये हो गया पूरा राइट, स्टीयरिंग आपकी घूम गई। ठीक, तो जब भी आप यू टर्न करते हैं तो आपको पूरा क्लच दबाना है नीचे और एक पैर ब्रेक पर रखना है। अब जब यहाँ से हमें कार बढ़ानी है तो हम जैसे ही यहाँ से कार बढ़ानी है तो हमें यहाँ पे वन गियर लगाना होता है, वन गियर में कार रखनी है और हाफ क्लच में कार को बढ़ानी है। अब जैसे कोई आ गया तो आप हाफ क्लच पे ब्रेक लगा लीजिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर बढ़ जाएगी। अब इसको जब कार हमारी सीधी हो जाती है तब हमको इसको दो राउंड लेके आना है। जैसे कि ये हो गया एक राउंड, ठीक, ये हाफ हो गया, फिर इसको हम एक राउंड पूरा घुमा देंगे, ये हो गया दो राउंड। ठीक है, तो इसको आप चाहे डेढ़ राउंड बोल सकते हैं
ये चाहे दो राउंड बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको स्टेयरिंग तभी वापस लाना है जब कार सीधी हो जाए, ठीक है। तो बहुत से चालक क्या करते हैं, यू टर्न पे जब वो कार सीधी नहीं रहती तभी ये स्टेयरिंग को सीधा करने लगते हैं। तो ये आपको देखना है कि कार हमारी सीधी हो जाए तब हमें इसको दो राउंड वापस लेके आना है, और दो राउंड में जब सीधी हो जाए तब आपको पैर क्लच धीरे धीरे पूरा ऊपर छोड़ना है, जब कार सीधी हो जाए तब पूरा ऊपर छोड़ के तब एक्सीलेटर पे जाना है। क्योंकि बहुत से चालक जब वो कार को चलाते हैं तो एक पैर उनका एक्सीलेटर पे रहता है, और वो जैसे ही क्लच धीरे धीरे ऊपर लाते हैं एक्सीलेटर दबाते हैं कार तेज जाने लगती है, और फिर वही जाके कार टकरा जाती है। तो जब भी आप कार को चला रहे हैं, यू टर्न कर रहे हैं, मोड़ पे कार चला रहे हैं, तो वहाँ पे एक्सीलेटर पे पैर आपको नहीं रखना है, केवल रखना है ब्रेक पे। तो यू टर्न करते समय आपको क्लच और ब्रेक पे पैर रखना है, और जैसे ही कार सीधी हो जाए तब आप पैर एक्सीलेटर पे लेके जाएं, ठीक। तो यू टर्न इस तरीके से आपको करना है, और बहुत ही इजी होता है यू टर्न करना। सिर्फ आपको स्टीयरिंग का पॉइंट जानना है कि अगर हम पूरा घुमाए हैं तो इसको सिर्फ लेके आना है दो राउंड, ठीक। दो राउंड में स्टीयरिंग आपका सीधा हो जाएगा, और जब कार सीधी हो जाए तब आपको स्टीयरिंग सीधा करना होता है, ठीक। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब भी यू टर्न करेंगे तो हमें स्टीयरिंग को पूरा लॉक करना है, और वन गियर में यू टर्न करना होता है। बिजी रोड पे अगर खाली है तो आप सेकंड गियर में हाफ क्लच में कार को बढ़ा सकते हैं, ये चाहे आप सेकंड में भी बढ़ाना चाह रहे हैं तो भी सेकंड में भी कार आपकी बढ़ जाएगी यू टर्न में। बस ये ध्यान में रखना है कि हाफ क्लच से ऊपर क्लच ना आए, अगर उससे ऊपर आएगा तो कार आपकी हो जाएगी वहाँ पे बंद। फ्रेंड, हम आशा करते हैं मेरा ये वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी आप लोगों को और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।